देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। परेशान हो रहे हैं, पैसा निकल नहीं रहा है, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। हजार 500 नोट रद्द करने के प्रधानमंत्री जी के फैसले का देश ने जबरदस्त स्वागत किया है। लोगों को ये बिल्कुल विश्वास है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और जाली नोट के खिलाफ, कारोबार के खिलाफ ये बड़ा कदम है। अब मुझे समझ नहीं रहा है विपक्ष काहे के लिए बोल रहा है, इतना उकसाने का प्रयास किया, जनता नहीं उनके जाल में फंस रही है, उल्टा जनता उनको कह रही है कि भाई देखो ये प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है, हम साथ हैं। प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन इस देश से मांगे थे और कहा था कि 50 दिन के बाद आपकी तकलीफ कम होनी शुरू होगी, जनता साथ दे रही है जी। जनता की नबर समझ करके ही मोदी जी ने इस भारत को उन्नत भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सपना संजोया है, मुझे लगता है 2017 में हम उसके नजदीक पहुंचेंगे। आज लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लाइनों के अंदर लोग खड़े हैं, लोग अपने शादियां नहीं कर पा रहे हैं और जो गरीब तबका है, विशेष रूप से मैं कहूँगा, उनको रोटी रोजगार के लिए ना जाके और वो लाइनों के अंदर खड़े हैं, ये सारी चीज़ें परेशानियां तो आने वाली हैं। कष्ट जरूर हुआ लेकिन हम बहुत खुश हैं, ये साथ में आदमी जोड़ के जिस प्रकार से देश भर ने समर्थन दिया है उसका हम भाजपा की तरफ से भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे। डिमोनेटाइजेशन की जो सफलता है, ये सफलता सिर्फ सरकार की नहीं है, पूरे देश की सफलता है। उनको पूरी कल्पना थी और उन्होंने एक अच्छे भविष्यवक्ता के नाते से यह कदम लिया है, इसलिए जनता दंगे करती थी, नेता शांत करते थे, अब नेता दंगे करवाना चाहते हैं, जनता शांत है। और राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं, मैंने बताया वो 2013 के हैं जब वो मुख्यमंत्री गुजरात थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, वो क्यों नहीं जांच बैठाई और क्यों नहीं उनको खिलाफ कार्रवाई की। तो दर्शक है इसके उनकी राय के साथ इस दौर की शुरुआत करते हैं। विजय सोनी जी और कृष्णा कोरानी जी हमारे साथ हैं जयपुर से। विजय जी नमस्कार। विजय सोनी जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, हम तो खुश नहीं है सर, व्यापारी पूरा परेशान है, काम धंधे छोड़ के लाइनों में लग रहा है, 2,000 रुपए मिलते हैं, 10-10, 20-20 हजार जमा करा दो बैंक से, आप काम के लिए 50,000 रुपए ले सकते हैं, सरकार ने कहा है। सर ये तो अपने मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने में लग रहे हैं, बाकी जनता तो परेशान हुई है, कोई फायदा नहीं है इसका। धन्यवाद आपकी इस राय के लिए। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार, बताए सर। पारिक साहब इनके तो 50 दिन पूरे हो गए, मगर इनके तो 50 दिन पीछे हो गए, ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। पारिक साहब हम इतने पीछे हो गए, आज हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ कोई चीज खरीदने के लिए इस टाइम ऐसी व्यवस्था हो रखी है, एक तो तरह तरह तो मच रखी है, बेरोजगारी तो बहुत जबरदस्त फैली हुई है। दूसरा पारिक साहब इन्होंने जो 50 दिन के बाद में कहा था हम ऐसी कर देंगे वैसे कर, अभी तक तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कृष्णा जी आप तमाम दावे रख रहे हैं, उसके बीच अरुण जेटली की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्योति जी आपके जवाब के साथ मैं जानना चाहूंगा, उनका 2 तरह का दावा था, सेंट्रल टैक्सेस में 26% का इजाफा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस में करीब 14.5% की बढ़ोतरी हुई है, तो सरकार तो कह रही है कि डेवलपमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, नोटबंदी का असर हुआ है कि पैसा आया है और ग्रोथ रेट में बढ़ाने में काम आएगा। किसान से जाके पूछे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ पिछले दिनों में, रबी की बुआई 6.3% बढ़ गई, ये भी जेटली जी ने कहा। देखिए आप चूंकि शायद किसान को फायदा ही नहीं देना चाहते इसलिए आप आंकड़े भी इसी तरह के प्रस्तुत करते हैं, हम सब जानते हैं किसानों की हालत इस समय क्या हुई, आलू प्याज टमाटर तक उनके किस हालात में पहुंच गए और वो अपनी फसल का कुछ भी फायदा उन तक नहीं पहुंच पाया और आज उनके भूखे मरने की नौबत आ गई, बैंक से वो अपना लोन का पैसा जो उनका खुद का जो बीमा का पैसा जमा है वो नहीं निकाल पा रहे, वहाँ उनकी हालत खराब हो गई, रबी की फसल जो होनी चाहिए थी जो बिजाई हम जानते हैं उसकी स्थिति क्या रही और उसकी स्थिति में आज किसान जो है वो कितना परेशान है,
और कांग्रेस पार्टी ने तो केवल नकारात्मक ही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो डिमांड भी यही कर रही है कि जो समर्थन मूल्य है उसका, जो अभी रबी की फसल में हम जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार को 20% उनको मुआवजा देना चाहिए। आप ठीक है, नोटबंदी भी आपने कर दी, अपना तुगलकी फरमान आपने सुना दिया, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है लगातार जनता जो भुगत रही है, कम से कम उसके बारे में तो सोचिए। जहां तक हम लगातार जो देख रहे हैं, जो बात, आप किसानों को 20% मुआवजा दीजिए, राशन जो खरीद, जो फूड सिक्योरिटी बिल के तहत जो राशन होता है उसकी कीमत को आधा कीजिए, क्योंकि आज जनता पैसा नहीं निकाल पा रही है, वो उसको जो आप जो गेहूं और जो आटा जो देना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, इंतजार कीजिए, 31 की शाम हो सकता है कि नए साल पर प्रधानमंत्री जी इन्हीं सभी मांगों पर ऐलान कर दे। गरीब किसान, हम तो उम्मीद करेंगे कम से कम जो लोग मौत, जिनकी इस नोटबंदी की वजह से जो मौत के शिकार हो गए, कम से कम उनको मुआवजे की घोषणा। लक्ष्मीकांत जी से जवाब लूंगा, दो और दर्शक हमारे साथ हैं जी, राजकुमार जी हैं हरियाणा से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मोदी जी जो नोटबंदी है ना, इससे केवल एक गरीब आदमी परेशान हुआ और अमीरों को फायदा हुआ है। किस तरह से अमीरों को फायदा हुआ आप बता पाएंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ की अमीर आदमी आज तक कोई लाइन में लगा, गरीब आदमी 200 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, दिहाड़ी छोड़ के लाइन में लगा हुआ है, वो क्या मोदी जी वो पैसा उनको दे? अगर चलिए, मैं लक्ष्मीकांत जी हैं इसका जवाब देने के लिए, उनसे बात होगी। खालिद साहब नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी। सर हमेशा 2 महीने हो गए तकरीबन, अलग अलग राय मैं भी दे रहा हूँ, आप सभी काम कर रहे हैं इस मुद्दे में। मैं ये कहना चाहूंगा सभी देशवासियों से, अपील है मेरी कि जितनी भी देश में मौतें हुई है नोटबंदी कारण, और ये मतलब जो नोटों मतलब बाहर से मुद्रा की बेकदरी हुई है, खासकर जो जिन लोग घरों के लाल गए हैं, माँ बाप गए हैं या कोई बेटा गया है, वो सभी लोग केंद्र सरकार पर और भारतीय रिजर्व बैंक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराए। चलिए, ये आपकी राय है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी, तरह तरह के आरोप हैं, सरकार कह रही है कि कामयाब है, अभी हमने पीयूष गोयल को भी सुना, डी मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया कामयाब रही, लेकिन इन सब राय के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ कमियां रही होंगी या कमियां ज्यादा भी हो सकती हैं? देखिए, ये देश पिछले 70 साल में इतना हताश और निराश हो चुका है सरकारों से कि इनको किसी भी सरकार के ईमानदार फैसले से इनको अभी भरोसा होना एकदम से मुश्किल लगता है, क्योंकि सरकार ऐसी होती थी, जो एक सरकार आई अभी हाल ही में जो गई है, 10 लाख करोड़ का करप्शन करके चली गई, हाँ 2.5 लाख करोड़ का 2G स्कीम कर गई। मैं आपके बीच में नहीं बोला जो चोरों को बचा रही है, आपके दोनों नेता भ्रष्टाचार जमानत पे झूठे हुए, जमानत पे आरोप है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे झूठे हुए, भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे झूठे हुए, जांच के लिए तैयार नहीं हो, करके इसलिए बैठे हो कि आपकी काली कमाई लूट रही है, आपकी काली कमाई लूट रही है, आप करके बैठे हो, आप ठप करके इसलिए बैठे हो कि आपकी काली कमाई लूट रही है, 70 साल तक इस देश को लूटा आपने, उस गरीब आदमी को लूटा आपने, इसलिए आपकी काली कमाई ठप हो रही है, आप संसद ठप करके बैठे हो, ये स्थिति है, ये स्थिति है, आपका नौसिखिया नेता, आपका नौसिखिया नेता इस देश को बर्बाद करने में लगा, आरोप आप लगा रहे हो, अभी हाल ही में 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर सोनिया गांधी राहुल गांधी, 5000 करोड़ के घोटाले में जमानत पर सोनिया गांधी राहुल गांधी। सवाल है नोटबंदी का, राहुल गांधी या सोनिया गांधी, आज डिबेट का टॉपिक नहीं, आज सवाल है नोटबंदी का कितना असर हुआ, कितना असर हुआ। दो और दर्शक है हमारे साथ, राम बाबू जी भरतपुर से, इंद्र ओझा साहब बीकानेर से हमारे साथ है। राम बाबू जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ अश्विनी जी, ये भारद्वाज जी से ये पूछो कि ये नोटबंदी के बाद में ये जितनी भी घोटाले हुए बैंक मैनेजरों ने, बैंक वालों ने क्यों किए हैं? जेल जा रहे हैं जिन्होंने घोटाले किए सर जी। मैं ये कह रहा हूँ घोटाले करने वाले सोनिया गांधी राहुल गांधी भी जाएंगे, चलिए चलिए। राम बाबू जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा मैं सोच रहा हूँ। इंद्र ओझा जी नमस्कार, आ रहा हूँ आप लोगों के पास। ओझा साहब नमस्कार। नमस्कार जी जी, बोलिए। फारिक साहब पहले मुझे सुनिए, एक दर्शक है हमारे साथ, उनको सुन लेते एक बार जी। भारत जी आ रहा हूँ, भारत जी अगला सवाल आपसे ही है। मैं ज्योति जी से निवेदन करना चाहता हूँ, वो मेरी बात को थोड़ा और सुने। हाँ जी,
भाई साहब देखिए, मुझे आपसे भी निवेदन है, थोड़ा बोलने का आज मुझे मौका देता। बिल्कुल सर, बोलिए आप। पारिक साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में जमीन आसमान अंतर है। देखो, कांग्रेस राजनीति करती है अपने लिए, और भारतीय जनता पार्टी से हमेशा राष्ट्र के लिए, देश के लिए राजनीति की। और आज जो ये क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज मुद्दा ये है, और ऐसे में क्या पीएम की मुहिम के साथ आप होंगे? मेरे निवेदन, मैं मोदी जी के साथ, पूरा देश है, मैं नहीं हूँ। और मैं एक और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के जितने भी लुटेरे हैं उनके ताबूत में ये अंतिम कील साबित होगी। मोदी जी को मिशन है, एक भी बच्चे का नहीं, और आप गरीब नहीं रहेगा, आपका भरोसा कायम है, गरीब रहे देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया भारत जी। एक सवाल है, अरुण जेटली ने आज एक और बात कही कि इन 50 दिन नोटबंदी के जो थे, देश में कहीं अशांति नहीं हुई, तो फिर कैसे कहते हैं कि लोग खिलाफ है फैसले के? सर मैं 10 सेकंड का सवाल इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, 10 सेकंड का इस सवाल इन्हीं के साथ जोड़ना चाहता हूं। जोड़ लो जी। ये तब शांति है जब ग्वालियर में एक बैंक में एक चोर रात को घुसा और उसने, पुलिस जब बाहर आ गई तो उसने आत्महत्या कर ली बैंक के अंदर फांसी लटक के। उसकी फोटो को अरविंद केजरीवाल सुबह ट्वीट करता है, एक मुख्यमंत्री एक ट्वीट करता है कि नोटबंदी की लाइन में लगे हुए व्यक्ति ने फांसी की ली। इतना भड़काने की कोशिश की गई देश की जनता को, उसके बाद भी शांति है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब दे कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही है, हमने देखा है, बिल्कुल, जब हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार भारत बंद कराया, कितनी बार रोड जाम करी है, कितनी बार ट्रेन जाम करी है, और कितनी बार और क्या किया। आज वो सत्ता में है तो करने वाला कौन है? देश की सबसे बड़ी पार्टी जो दंगे में आगे रहती है वो तो सत्ता में, जिनके पास सत्ता में रहने के बाद वो। अरे जी, एक सीधा से सवाल था, अगर आप लोगों की अपील है तो जनता क्यों आप लोगों के साथ नहीं है? भारत बंद का कॉल किया था, वापस भाग गए। जनता साथ है, कभी भी मैं आपको बताता हूँ, देश में जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी आरोप मत लगाइए। आप तो ये बताइए, इस नोटबंदी में क्या हुआ, क्या लोगों का समर्थन कैसे मिला? जनता सड़क पे आके इस तरह की हरकतें नहीं करती। आज से पहले भी जो भी हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने ही इस तरह के माहौल खड़े किए हैं। अभी जनता तो में परेशान है, जनता आपने जनता के 150 मौत हो गई, आपको लगता है ये कुछ नहीं हुआ? 150 मौत होने के बाद प्रधानमंत्री जी को रात को नींद कैसे आती है? 150 मौत होने के बाद नींद आती है? क्यों अफवाह फैला रहे हो? 150 मौत है, आप बोल बोल के थक गए, आप इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे जनता के बीच में, नंगा कर देगी जनता आपको, लोगों के बीच में जाओगे तो आपके लोग जा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, संभाल के बात करिए, सांसद तक अपने क्षेत्रों में जाने से डर रहे हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद जाने से डर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए दूसरा चरण प्रधानमंत्री जी चार चार जगह जाके भाषण दे देते हैं। एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के लिए संवेदनाएं जताई क्या जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके पास सवाल बाकी है? मैं विजय जी आपके पास ब्रेक के बाद जुड़ना चाहूंगा। सवाल यही है कि देश की जनता किसके साथ है? छोटा सा ब्रेक, बिग फाइट में होगी वापसी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए हैं और प्रधानमंत्री का जो वादा था 50 दिन का वो पूरा हो गया है, लेकिन बैंकों के हालात और एटीएम्स के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं। कतार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, कतार जो है वो कम नहीं हुई है। लगातार जो है जिस तरह से एटीएम्स और बैंकों में पैसा आना था उतनी मात्रा में पैसा नहीं आ पाया है, तो लोग बैंकों में पहुँच रहे हैं, उनको पैसा पर्याप्त मात्रा में अब तक नहीं मिला है। इस वक्त हम खड़े हैं कोटा के छावनी चौराहे के इस एटीएम पर, यहाँ पर भी जो है भीड़ नजर आ रही है और यहाँ पर भी जो है कतार लगी हुई है। बात करने की कोशिश करते हैं कि इन 50 दिनों के दौरान किस तरह के हालात रहे, क्या इन्होंने महसूस किया। जी आप बताइए, ये जो 50 दिन रहे इसमें क्या आपको लगा है? देखो, हमारे सेना के जवान जो हैं बेचारे बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सेवा कर रहे हैं, अगर हम इतना त्याग कर देंगे तो क्या बिगड़ेगा हमारा? कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं है, तैयार हैं हम, मतलब प्रधानमंत्री के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देश के साथ हैं। मतलब जो जिस तरह की ये बात थी कि काला धन वापस आएगा और ये 50 दिन बाद जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, क्या आपको लग रहा है बैंकों की कार्यप्रणाली किस तरह की रही इन 50 दिनों के दौरान? कार्यप्रणाली अच्छी रही, बैंक कर्मचारी लगन से काम कर रहे हैं बेचारे, लेकिन क्या है कि पब्लिक को भी उतना सहयोग करना चाहिए, पब्लिक सहयोग कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बताएं क्या क्या रहा इन 50 दिनों में, किस तरह का 50 दिन में ये रहा है सर? अभी तक जहाँ तक लाइनें कम हो चुकी है, और लेकिन ये दिक्कत हो रही है कि एक बंदा ना चार चार कार्ड लेकर आ रहा है, तो उससे जो पीछे लाइन में लगे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। जिस तरह से एटीएम से रुपए आने थे वो रुपए नहीं आ पाए, ये परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार लोग जो है प्रधानमंत्री के फैसले के साथ है, काला धन वापस आएगा, काला धन पे अंकुश लगेगा,
प्रधानमंत्री का जो फैसला है इसका पूरा समर्थन लोगों को मिल रहा है। कई सारे लोगों को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि नेट बैंकिंग किस तरह से की जाती है और उसका खामियाजा यहाँ पर बैंकों की जो कार्यप्रणाली, जो नई कार्यप्रणाली की गई है उसमें उनको उठाना पड़ रहा है। हालांकि बैंक जो है पूरी तरह से दावा जरूर कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में पैसा आया है, लेकिन फिर भी कतार जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। परेशान हो रहे हैं, पैसा निकल नहीं रहा, सब कुछ नॉर्मल नहीं है।